देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेटा ही बन गया अपने पिता का कातिल। इस बेटे ने पहले तो अपने पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या की और फिर खुद को एक कमरे में बंद कर सिलेंडर में आग लगा दी। मामला मधु विहार इलाके के अजंता अपार्टमेंट का है, जहां मर्चेंट नेवी में काम कर चुके राहुल माटा ने पिता पर चाकुओं से 30 से ज्यादा बार वार किया और उनकी जान ले ली। वारदात रविवार की है। इस हमले में पिता रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद राहुल ने पड़ोस में रहने वाली महिला को अपना निशाना बनाया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल ने खुद को दूसरे फ्लैट में बंद कर लिया। इस घटना से पूरे अपार्टमेंट में हाहाकार मच गया। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल को पकड़ने की कोशिश की गई। वहीं राहुल को ना जाने क्या सूझी और उसने अपने फ्लैट में रखे सिलेंडर का ढक्कन खोलकर उसमें आग लगा दी, जिस पर फ्लैट में जोरदार धमाका हुआ और मौके पर मौजूद 11 पुलिसकर्मी और राहुल बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल समेत सभी घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक रविंद्र माटा कनाडा में रहते थे। आरोपी राहुल को पिता रविंद्र ने अपनी जायदाद से बेदखल कर रखा था। गुस्से में आग बबूला राहुल ने कुछ दिनों पहले ही पिता को किसी बहाने से कनाडा से भारत बुलाया और रविवार को अपने पिता को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सूत्रों की माने तो आरोपी राहुल की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसी के चलते राहुल को मर्चेंट नेवी की नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जिस पिता ने अपने बेटे को चलना सिखाया, उसे काबिल बनाया, उसी बेटे ने ही अपने पिता को मौत की गहरी नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि राहुल पर कनाडा में भी एक महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देखते रहिए टीपी लाइव।